एक बहुत बड़ा मसला है दो के दुनिया भर में होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन बनता है, मगर जब एक क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर बन जाता है या कहीं से भी रिलेटेड होता है किसी क्रिकेटर से, सबसे पहला इल्ज़ाम आता है नेपोटिज्म का कि भाई हाँ जी अपने अब्बा की वजह से आ गए। आपने भी बहुत ज़्यादा इस इल्ज़ाम को फेस किया, किस तरह आज़म खान इसको फेस करता है और इसको कॉन्कर करके आगे बढ़ने की कोशिश की? देखें मैं हमेशा से यही समझता हूँ और मेरा ये बिलीफ है कि ये कोई जुर्म नहीं है या कोई आई थिंक के कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर नहीं हो सकता। अगर आप बाहर मुल्क में भी देखें तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनके अबू वगैरह वो क्रिकेट खेलते थे, जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड के अबू वो यूज टू प्ले फॉर इंग्लैंड। और तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान में आपको पता होती रहती हैं, लेकिन इसमें कोई दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। इन दी एंड आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत की है, और मुझे लगता है कि एक साल की जो मेरी इतनी मेहनत थी उसी की वजह से मैं पाकिस्तान खेला हूँ। तो बात सिर्फ ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि वो उसी लेवल के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एक क्रिकेटर का बेटा है तो ये क्या कर सकता है, ये क्या करके दिखाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे यही समझते हैं कि नेपोटिज्म है या सिफारिशी है ये वो सब, लेकिन उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि मैं लाइक प्रॉपर एक चैनल से आया हूँ। मैं अंडर 19 क्रिकेट भी खेला हूँ, मैं पाकिस्तान अंडर 19 में भी सिलेक्ट हुआ था, तो ये काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बस मेरा काम ये है कि मैं अपनी मेहनत करूँ और अपनी क्रिकेट खेलूँ। एग्जैक्टली यही स्पिरिट होनी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।